कहा था कि आपने अम्मी साथ लेकर आनी है, बड़ी बहन ले आई। एक हमारा फोटो शूट हुआ था तो किसी ने तो यहाँ तक कहा था कि बेटी माँ लग रही है और माँ बेटी। ये कुछ ज्यादा है, ये कुछ ज्यादा था। हाँ, ये बाकी में हो सकता है नताशा जी आपके फैन हो और उसके चक्कर में उन्होंने उनको ही कह दिया। शायद ये भी हो सकता है मैंने उन फैंस को थोड़े से पैसे दिए। वैसे मुझे ये बताइए क्या ये आमतौर पे होता रहता है आप लोगों के साथ? बहुत होता है, अभी मेकअप रूम तक हो रहा था। अच्छा। नहीं नहीं ये बेटी माँ वाला नहीं, लेकिन ये कि हमें पता नहीं था आप इनकी बेटी हैं। अच्छा। हालांकि रिजेम्बलेंस आई थिंक है, आपको लगता है कि नहीं? रिजेम्बलेंस बिल्कुल क्या डिफरेंट इतना तो डिटेल में नहीं। अब हम देखेंगे ना कि स्माइल मिल रही है या नहीं मिल रही है, आंख मिल रही है, कान मिल रहे हैं या नहीं, मगर जो जनरल रिजेम्बलेंस आप कह रही है फर्स्ट इंप्रेशन उसमें शायद नहीं पता चलता। अच्छा, नहीं पता। तो इस वजह से शायद ये लगता हो। वैसे एक बात बताएं कि आपको पता था कि इन्होंने इवेंचुअली आपकी फील्ड में आना है? नहीं, मुझे नहीं पता था क्योंकि ये बाहर से पढ़ के आई हैं, UCL लंदन से। तो यहां तक कि हम एक सेट पे थे तो अदनान सिद्दीकी ने इनसे पूछा कि कहां से पढ़ के आई हो, तो इसने कहा मेरा ड्रीम कॉलेज था UCL लंदन। उन्होंने कहा क्या किया, तो उन्होंने कहा मेरा मेजर था, शौक था हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री एंड इंटरनेशनल रिलेशन। तो उन्होंने पहली बात ये कही कि तुमने माँ बाप के इतने पैसे क्यों बर्बाद किए, बाहर पढ़ के आई और एक्टिंग में आ गई हो। मुझे बिल्कुल नहीं पता था। इसने देखा, इसको मैंने फोर्स किया कि एक प्ले आया है हम सफर, 3-4 साल हो गए वो देख लो। ये देखती थी अंग्रेजी के शोज। इसने कहा नहीं, मैंने कहा एक दफा वो दिन और आज का दिन, इसने कहा मैंने एक्टिंग करी। मुझे मेरा हम सफर अभी तक मिला नहीं, ना टीवी पे ना असल जिंदगी। अगर आपका हम सफर मिल जाएगा इसीलिए तो आप मामा को लेके बात इधर ही कर लें। मगर आप सिर्फ हम सफर ड्रामा देखने की वजह से आपको हुआ कि मैंने एक्टिंग करनी है? वो अदाएं और वो सब। अतीका जी की अदाओं की बात कर रहे हैं? उनकी भी वैसे उसमें अच्छी नहीं, मगर आपको किसकी अदाएं जिसको देख के आपने फैसला किया था? मायरा खान की। मुझे ऐसा रोमांटिक पार्टनर भी चाहिए था, मतलब। मगर आपको तो ये पता था, आप तो बचपन से देख रही है ड्रामे, फिल्में और ये चीजें, कि ये सब कुछ फिक्शन है। नहीं, लेकिन फिक्शन। और फवाद खान भी असल में ऐसे नहीं है जैसा वो उस ड्रामे में कर रहे थे। आई नो, लेकिन ड्रामे में ही मिल जाए हीरो अगर रियल लाइफ में नहीं। नताशा, क्या ये ड्रामा जब आपने दिखाया था इनको उस वक्त कॉलेज जा चुकी हुई थी? ये कॉलेज ही में थी तो मैंने कहा जो अच्छा, वहाँ पे थी तो आपने ये वहाँ पे थी तो मैंने कहा मैंने मुझे। उसके बाद कभी अकेले में बैठ के एहसास हुआ कि आपका ये एक गलत मशवरा जो है आपको कितने करोड़ों रुपए का पड़ा है? आप देखती रहने देती उनको Netflix? बहुत, मेरा तो हमारा तो कबाड़ा हो गया है। कोई ना, सिर्फ एक आपने जो आइडिया दिया उनको ये। UCL पढ़ाने के लिए मतलब क्या, अगर एक्टिंग ही करनी थी तो फिर कहीं भी जाया जा सकता था। आई डिसएग्री, आई थिंक नॉलेज इज पावर। नॉलेज आपके एटीट्यूड में, आपके मैनरिज्म्स में नजर आता है। अगर आप एक्टिंग कर भी रहे हो लेकिन आप एक अच्छी इंस्टीट्यूशन से पढ़ के आए हो तो इट्स यू नो यू आर रिप्रेजेंटिंग अ गुड इमेज। ये सब कुछ तो यहाँ भी मिल सकता था ना, मतलब पाउंडों में क्यों पैसे लगाए? और हम सफर की बात हो रही थी, आपका कोई हम सफर है? मैं तो रहने ही सफर थे हर वाले। ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग बताया कि आपने एक ड्रामे के पीछे उनके तो बेचारों की फॉरेन करेंसी का सत्यानाश कर दिया, खत्म कर दिया। और वो ड्रामा भी ये मान नहीं रही थी, मैंने खुद कोई 3 साल लेटर देखा क्योंकि मैं उस जमाने में खुद बड़ा काम करती थी तो मैं अपने ड्रामे भी नहीं देखती थी। फिर मैंने एक अपना एक जो ड्रामा किया था चलते चलते, तो वो नथिया मिश्र, बड़ा रोमांटिक लव स्टोरी थी, यंगर गर्ल ओल्डर। वो दिन और आज का दिन वो कहती है मुझे वही ड्रामा जिंदगी में मिल जाए, मुझे चाहिए। रोज रात को मुझे कहती है दुआ करें कि मुझे वो चलते चलते जैसा ड्रामा। मतलब अजीब किस्म के, एक हमसफर फंसा हुआ है, एक चलते चलते फंसा हुआ है आपका। आपको तो वैसे, आपने कभी गिला किया है मोमना दुरेद से कि ये तुमने क्या किया, ड्रामे तुमने बनाए, फंस मैं गई हूं? मैंने कहा कि देव सुल्ताना आपा को कितनी दफा बोला है कि ये क्या हो क्या गया है यहाँ। और आप सोचे, इसने जब बोला कि मैंने अपने मास्टर्स के लिए जाना होगा तो मैं फिल्म मेकिंग में जाऊंगी, तो मैंने इसको मोमिना से मिलवाया, तो मैंने कहा कि हम इस्लामाबाद गए, तो लिटरली ओवर टी, मैंने कहा इसको जॉब दे दो, शी विल शिफ्ट टू इस्लामाबाद। उसने कहा जगह पे ऑडिशन हो रही है, भेजू? मैंने कहा नहीं नहीं, ऑडिशन के लिए नहीं। इसने कहा नहीं, मुझे तो एक्टिंग का शौक नहीं हुई थी वैसे, सिलेक्ट नहीं हुई, रिजेक्ट हुई, लेकिन उसके बाद तो फिर अभी तक स्ट्रगल ही कर रही हूं उसके बाद। लेकिन अताने जी, आपको पता नहीं है जैकेट मैंने आपकी वजह से पहनी है। नहीं, आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं माशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। लेकिन हम सफर वाली लुक नहीं है। मामा को
वन लाइफ टाइम मेरे फादर मिल गए, ट्रू लव भी मिल गया, ड्रामे में भी रोमांस मिल गया. मुझे ना ड्रामे में रोमांस मिलता है ना असल जिंदगी में मिलता है. अभी आपका सफर स्टार्ट ही हुआ है, आप कितनी कुछ स्पीड में है. दुनिया को जैसा हम सफर चाहिए ना, मिस्ट्री वाला फवाद खान चाहिए. मैं कहाँ से लेकर आऊँ, चलेगा लेकिन कुछ तो हो ना, एटीट्यूड भी हो ना. फवाद खान का ऐसा क्या एटीट्यूड है मुझे बताएं. देखिए फवाद खान जो है ना, हाँ, क्या है वो, कोई नहीं. नहीं वो तो चले वो नहीं है, मगर मुझे बताएं ना आप जो कह रही है कोई सिग्निफिकेंट क्या है. मैंने उनको असल जिंदगी में भी, मैं उनको बहुत मिली हूँ और मैंने देखा उनको, मतलब ऑफ स्क्रीन और ऑफ एक्टिंग भी देखा है. तो वो जो उनकी पर्सनैलिटी है और जिस तरह वो बात करते हैं और थोड़े से रिजर्व भी हैं, और ये बहुत रिजर्व है, ये सिर्फ काम के वक्त किस तरह कर रहे हैं. अगर इनके मैं तो घर जाता हूँ बोलता नहीं. और आपने हम सफर गौर से नहीं देखा वो जो सीन नंबर 13 था चौथे एपिसोड के अंदर, उसके अंदर फवाद खान की गाड़ी चला रहा था वो कौन था? मैं. अच्छा, अरे गेस्ट अपीयरेंस मैंने, वो मैं ही था, गाड़ी मेरी थी ना, वो रेंट पे दी थी. अभी तक वैसे आपको फवाद खान से मिलने का मौका मिला है? दूर से कोई सलाम दो, मतलब इंटरेक्शन खड़े थे आपने कहा सलाम, तो ऐसा कुछ याद नहीं है. आई थिंक नहीं मिली, वरना याद होता, अगर मिलती तो याद होता. अच्छा, वो करीब से तकरीबन ऐसे ही होते हैं वो जी जी. हाँ. अगर बिल्कुल करीब तो देखो तो फिर ऐसे ही होते हैं जी. कि मिली नहीं है आप फवाद खान से, तो कोई आप ड्रामा करना चाहेंगे क्या पता? वैसे कभी आपने सोचा है कि फवाद खान के साथ आपको पहला ड्रामा करने का मौका मिले और वो चलते चलते वाली स्टोरी हो? ये हो सकता है. आई एम गोइंग टू मैनिफेस्ट इट टुडे, इंशाल्लाह ये होगा मैनिफेस्टेशन. आई नो बट डज इट वर्क फॉर यू? नहीं, बिकॉज़ आई ओनली जस्ट स्टार्टेड. अच्छा, सो फार इट हैज़न्ट, मैनिफेस्टेशन वर्क्स फॉर मी. अच्छा जी, मैंने साइकोलॉजी भी पढ़ी हुई है एज अ सब्जेक्ट, तो इस वक्त मुझे ये भी पता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है. क्या चल रहा है बताएं. थोड़ी सी फवाद खान के साथ कॉम्पिटिटिवनेस. मेरी नहीं, 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 नहीं. आपको पता है मैनिफेस्टेशन क्या होती है? जब टांग का ऑपरेशन हो तो बीच में से निकलती है. अच्छा ये पता है आजकल क्या मैनिफेस्ट करती है? क्या? ये रात को सोते हुए ना मैनिफेस्ट करती है कि एक दुपट्टा और लहरा रहा हो और एक गाना चल रहा हो. देखिए आप, ये ज्यादा हो रहा है, इतना भी नहीं. तुमने कहा था तुम करती हो, झूठ नहीं बोलते थे. अच्छा, बात सुने करती तो वो है, आपको कैसे पता है? इसने मुझे बताया है. अच्छा, बता भी देती है इसने मुझे. हाँ, वैसे मुझे नहीं बताना चाहिए, ये बात है. अच्छा, हर बात नहीं होती, कुछ एम्बैरेसिंग बातें होती हैं कि आप अगर दुपट्टा लहराता वो सोच ही रही है तो बताना नहीं होता. मामा प्लीज, आप क्या कह रही हैं? नहीं, आपने मामा से कहा नहीं कि मुझे लगेगा कि मेरा यही गोल है जिंदगी में, मेरे और भी गोल हैं. ड्रामा वाइज कह रही थी, असल वाइज तो अब होपफुली अगर मियां मिलेगा तो उसके साथ दुपट्टा तो नहीं ले पाए. वो तो सिर्फ वो पहले होता है दुपट्टा गली में जाना, उसके बाद तो वो बहुत कंजर्वेटिव फैमिली का हुआ तो मतलब. नहीं नहीं, मगर ये आप उनको प्लीज दिल खराब ना करें. हो सकता है कि वो, और होगा ऐसा, शुरू में आप दुपट्टा लहराने का मौका मिलेगा, ये अलग बात है, कुछ अरसे बाद वही दुपट्टा उसके गले में होगा. हमारे गम में गहराई बहुत है कि हमने देखी महंगाई बहुत है. खुदारा और ना कर्जे उठाना कि तुमसे जो भी बन पाई बहुत है. हो तेरी खैर मेरे घर के चूल्हे, मुशक्कत तूने करवाई बहुत है. हाय हाय आ